हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो सबसे पहले हम चाय बनाकर पियेंगे। तो सबसे पहले केटल में पानी ले लेते हैं और उसे गर्म करते हैं। केटल को ऑन कर लेते हैं। तो हमारा पानी गर्म हो रहा है। मैंने आज फिर से गिरनार की जिंजर चाय ली है। फाइनली मेरी चाय अब रेडी है। आज सुबह को मैं लेट उठी, उसके बाद मुझे फ़्रेश होने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। मेरे फ्रेश होने तक मेरा लंच आ चुका था, तो आज मुझे सिंपल सा लंच मिला है। मेरे लंच में आज राइस है, चिकन है और सैलेड है। इसके साथ में मुझे ये सूप भी मिला है, ये बीट रूट का सूप है और इसमें आलू भी है। तो दैट्स इट, ये है मेरा आज का सिंपल सा लंच, जो खाने में ठीक था, इतना कुछ खास नहीं था। लंच में आज मुझे फिर से वेनिला मफिन मिला है। लंच के बाद मैंने सोचा कि लोगों को एक क्विक रूम टूर भी दे देते हैं। फ़िलहाल मेरा रूम बहुत मैसी है, तो एक मैसी रूम टूर देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये मेरा एंट्रेंस है और एंट्रेंस के राइट साइड में ही ये मिरर है। मिरर के बाजू में कोट वगैरह हैंग करने का सेक्शन दिया हुआ है और इसके ऑपोजिट में जो डोर आपको दिख रहा है ये वॉशरूम है। वॉशरूम पर हम थोड़ा बाद में आएंगे, पहले हम रूम देख लेते हैं, उसके बाद हम वॉशरूम भी देख लेंगे। तो एग्जैक्ट वॉशरूम के ऑपोजिट साइड में कवर्ड दिया हुआ है, आप इसके अंदर अपने कपड़े, सूटकेस, जो भी आपको रखना है रख सकते हैं। और काफ़ी स्पेशियस है, इसके अंदर बहुत सारा सामान आ सकता है, लेकिन मैंने कुछ इसमें रखा नहीं है। और इसके अंदर एक बाथरोब था जो मैंने यूज़ किया है, तो वो इसमें नहीं है। और इसमें फॉर सेफ्टी आपको वॉल्ट भी दिया हुआ है, कोई भी टूरिस्ट वगैरह आकर यहाँ रहते हैं तो उनका कुछ पर्सनल सामान है तो वो पासपोर्ट जैसे या TRC वगैरह, रेजिडेंसी कार्ड, जिसको भी रखना है वो इसमें रख सकते हैं। और वो हेयर ड्रायर था। उसके बाद में इसी में ये छोटा सा फ्रिज दिया हुआ है। एक्चुअली ये फ्रिज नहीं है, मिनी बार है, लेकिन उसको फ्रिज की तरह भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो कूलिंग बहुत अच्छी देता है। उसके बाद में ड्रॉर्स थे जो कि पूरे एम्प्टी थे, उसके ऊपर ये स्पेस थी जिसके ऊपर मैंने मेरा सामान रख दिया था और जैसे कि आप मिरर में देख सकते हैं वो मैं हूँ। उसके बाद ऊपर जो है एरिया वो भी खाली पड़ा था, कुछ इतना खास दिया हुआ नहीं था एक्चुअली रूम में जैसे मिलता है। खाने पीने की चीज़ें भी कुछ इतनी अवेलेबल नहीं थी क्योंकि हमारे रूम में रखा नहीं गया था कुछ इस वजह से कि हम कोविड सस्पेक्ट्स हैं तो हमारे रूम में कोई आ नहीं सकता, तो हम कुछ मंगा भी नहीं सकते थे। हम कॉल कर अगर मंगाएंगे तो वो हमारे डोर स्टेप पर रख कर चले जाएंगे, बट हमने कुछ मंगाया ही नहीं था। और ये मेरा रूम है, मुझे दो अलग अलग बेड मिले थे जिसको मैंने जॉइन कर लिया है। कुछ कुछ को क्वीन साइज़, किंग साइज़ बेड भी मिले हैं, बट मुझे सिंगल बेड्स मिले हैं तो मैंने उसको जॉइन कर लिया। और ये टेबल है, टेबल के ऊपर मेरा कुछ सामान पड़ा हुआ है। और इसके साथ में हमको थर्मामीटर दिया गया है इनकी तरफ से, हमको डेली अपना टेम्परेचर चेक करके नोट डाउन करना पड़ता है और इन लोगों को बताना पड़ता है कि कितना है, वो लोग कॉल करते हैं पूछने के लिए। उसके बाद में मेरा चेयर पर सब पसारा रखा हुआ है, टॉवल्स वगैरह। उसके बाद ये टेबल फ़ैन दिया हुआ है एक, बिकॉज़ पता नहीं क्यों दिया है, कूलिंग तो बराबर से हो रही थी, एसी वगैरह भी अवेलेबल था, बट आई डोंट नो वाई टेबल फ़ैन भी दिया हुआ है। और उसके बाद में सब थोड़ा सा रूम मैसी है तो हम इसको थोड़ी देर में क्लीन भी करेंगे, फिर क्लीन करने के बाद भी मैं आपको दिखा दूँगी कि यार इतना ख़राब नहीं है रूम मेरा। और ये लैंडलाइन दिया हुआ था जिससे हम रिसेप्शन पर कॉल कर सकते हैं। और ये मेरा रूम है, वैसे लैंडलाइन का इतना कुछ खास काम नहीं है। लैंडलाइन पे कॉल करके हम सिर्फ हमारे लिए पानी की बॉटल मंगा सकते हैं और कॉफ़ी मंगा सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं मंगा रहे हैं क्योंकि हमें पता भी नहीं है कि क्या अवेलेबल है क्या नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई मेन्यू भी नहीं था। और ये हमारा सेंट्रल हीटिंग है, जैसे आप देख सकते हैं ये हीटर भी है और AC भी है और ये पूरे रूम में अवेलेबल है। तो चलिए अब वॉशरूम देखते हैं। तो वॉशरूम हमारा कुछ खास नहीं है, एक नॉर्मल सा बेडिंग एरिया दिया हुआ है, कुछ कंडीशनर, शैम्पू और बॉडी वॉश रखे हुए थे, स्मॉल ट्यूब्स थी,
और ये इस तरीके का हैंड शावर दिया हुआ है, यही हैंड शावर था और यही हेड शावर भी था, तो निकालने करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था बिकॉज़ हाइट कम है हमारी। उसके बाद में ये बेसिन एरिया है और उसके ही बाजू में यहाँ पर टॉवल वगैरह रखने का एरिया है, और हाँ हम क्लीनिंग खुद ही करते हैं रूम की बिकॉज़ रूम सर्विस हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, तो अंदर वो साफ़ सफाई करने का सामान भी रखा हुआ था जिसे हमने साफ़ करना था, और यहाँ पर ये मेरा गार्बेज रखा हुआ है और उसी के नीचे मेरे शूज़ वगैरह है क्योंकि वो शू रैक है, और ये कार्ड यहाँ पर रखा हुआ है, ये मेन स्विच है एक्चुअली, ये कार्ड अगर निकाल देंगे तो लाइट्स ऑफ हो जाएगी रूम की। तो दैट्स इट, ये है मेरा कंप्लीट रूम टूर। इसको हम जल्दी से साफ़ करेंगे अब और फिर देखेंगे, ये क्लीन करने के बाद ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। अभी थोड़ा सा मेसी है मेरा बेड, तो चले जल्दी से क्लीन करते हैं और फिर मिलते हैं। बेड सेट करने के बाद और टेबल सेट करने के बाद में मैंने झाड़ू भी मार दिया था, उसके बाद में ये कचरा जमा हुआ है जितना रूम का, ये अब हम फेंक रहे हैं। इसके अंदर मेरा लंच का भी कचरा है और जो हमने झाड़ू मारा था उसका भी कचरा है। इसको हम बाहर रख देते हैं हमारे रूम के और फिर रूम सर्विस वाले आकर उसे ले जाते हैं। हम रूम के बाहर नहीं जा सकते तो हम गेट में से ही बाहर रख देते हैं और वो अंदर आकर साफ़ सफाई नहीं कर सकते, इसलिए हमको करना कंपलसरी है क्योंकि रूम में बहुत डस्ट आ जाती है ठंडी की वजह से और बालकनी इतनी बड़ी है तो विदाउट ओपन किए हम रह नहीं सकते, ऑफकोर्स वेंटिलेशन की वजह से, और डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है उस वजह से। तो अब यह है मेरा फाइनल लुक रूम का, मेरा रूम पूरा नीट एंड क्लीन है जैसे आप देख सकते हैं, टेबल भी साफ़ है, बेड भी सेट किया हुआ है, सब कुछ परफेक्ट है। और अब बाहर का वेदर दिखाती हूँ, वेदर भी बहुत अच्छा था और ये मेरा लास्ट डे था क्वारंटाइन का, अब मैं अपने घर आ चुकी हूँ, सेफ हूँ मैं, मुझे कोई कोरोना नहीं है, मेरी रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आई है और अब मैं अपने घर पर हूँ, आई एम फ्री फ्रॉम माय क्वारंटाइन। और आप भी फ्री होते हैं इस वीडियो से क्योंकि हम हमारे वीडियो के एंड तक पहुँच चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और ऐसी वीडियोज़ बनाती रहूँ। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड टेक केयर, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।